हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं दोस्त, कि मैं हमेशा से क्या एक टेक्निकल इक्विपमेंट पे वीडियो लाता हूं। हमारे चैनल का नाम है स्किल बिहार नंबर वन और चंडी मटेक चैनल। देखिए, आज मेरे पास एक एप्सन का M200 ब्लैक इंक टैंक प्रिंटर है दोस्त। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसका हेड भी सही है। देखिए, इसको मैं ओपन करके रखा हूँ, लेकिन क्या हेड ब्लैंक पेज प्रिंट मारता है। इंक भी है, देख सकते होंगे, टैंक है दोस्त, टैंक में इंक भी है, इतना इंक है। और ये बंद है, ये देखें, ये ऑन भी था, ये तो मैं फ़िलहाल अभी इसको बंद किया हूँ। इसमें देखें दो यूटिलिटी है, ये अगर कहीं प्रिंटर आपको लेके जाना है तो इसको बंद कर दें, इंक नहीं गिरेगा। और ये हमारा इंक ऑन का है, लेकिन क्या ये ब्लैंक पेज प्रिंट मारता है। तो देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको ओपन करें। ओपन करने के लिए कुछ नहीं दोस्त, इसको यहाँ से उठाएँगे ना तो आपको यहाँ पर एक स्क्रू मिलेगा। देखिए बताता हूँ, यहाँ पर इसको खोलें। खोलने के बाद आपको ये वाली पट्टी वहीं पे रहेगी, इस ये यहीं पे देखिए वो रहता है। कसने के बाद ये निकल जाएगा। निकालने के बाद आपको ये स्कैनर यूनिट केबल निकाल के, देखिए यहाँ पे इसका केबल है, ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद आपका ये पूरा यही खुल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त इसका ये फॉर्मेटर कार्ड है, ये वाला। मैं क्या है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बता रहा हूँ, मेरा मैकेनिक लोग तो समझ ही जाएंगे। तो मैं क्या है आपको प्रॉब्लम का ही वीडियो, ताकि आपको क्यूब में सोल्यूशन मिल जाए। आप करेंगे तो 100% काम करेगा। ये इसका फॉर्मेटर कार्ड है, मैं एक दूसरे का फॉर्मेटर कार्ड लेता हूँ। ये इस तरीका से लगा हुआ है। तो कभी भी इस कार्ड में कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो आपका हेड में ब्लैंक पेज प्रिंट मारेगा, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्त, ये कार्ड क्या है, यहाँ यहाँ पे एक दो मोसफेट टाइप का होता है ट्रांजिस्टर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तीन तीन टांग देख रहे हैं, ऐसा किसी ने निकाल लिया है। और ये हमारा क्या है, ये है तो रेसिस्टेंस, बट आपको याद रहे जो 10 ओम तक का रहता है ना, वो एज ए फ्यूज बर करता है। तो यहाँ पे एज ए फ्यूज ही बर कर रहा है दोस्त। अगर कभी आपका ये उड़ जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, तो क्या है प्रिंटर ब्लैंक पेज मारेगा और ऑन भी नहीं होगा दोस्त, ऑन ही नहीं होगा। अगर ये फ्यूज हो गया या इन दोनों में से कोई ट्रांजिस्टर फ्यूज हो गया तो ऑन नहीं होगा, और ये हेड को भी ख़राब कर देगा। और दूसरा देखें, इस कार्ड को अगर हम इधर करते हैं, यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि F1 लिखा है, ये जहाँ पे मैं हाथ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें कहाँ पे है, ये देखें, ये मेरा उंगली के बिल्कुल पास ये F1 लिखा है। अगर ये फ्यूज बर्न हो गया दोस्त, आपका प्रिंटर चल रहा है बट ये फ्यूज अगर बर्न आउट हो गया तो आपका प्रिंटर बिल्कुल ब्लैंक पेज मारेगा। तो आप कोशिश करें कि कोशिश तो करें दोस्त कि ये जैसा आपका ये रेसिस्टेंस है, कितने ओम का, मेरे को भी आँख से दिख नहीं रहा है, आप मैग्नीफायर वगैरह से, चलिए मैं मैग्नीफायर से आपको देख बताता हूँ। मेरे पास एक है, देखिए आप अपने पास भी ऐसा वाला रखें, मैं कोशिश करता हूँ ये मैग्नीफायर से आपको दिखाने का कि कितने ओम का है वो। उस पर ओम नहीं, सिर्फ ओनली फॉर के लिखा है दोस्त, देख सकते होंगे आपको दिख रहा होगा, ये देखें ओनली फॉर के लिखा है। लेकिन जो जो एज ए फ्यूज वर्क करता है तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्त, वो क्या है एज ए फ्यूज वर्क करने पर 10 ओम से ज़्यादा का होता नहीं, 10 ओम 15 ओम इतने का ये होगा। तो आप कोशिश करें, या तो इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते, लेकिन शॉर्ट से दिक्कत क्या आएगा दोस्त, अगर कभी इन केस ऑफ ये वाला फ्यूज नहीं उड़ता है तो क्या आपका हेड को ख़राब कर देगा। तो कोशिश करें कि जितना ओम का रेसिस्टेंस है ना, या कोई दूसरा कार्ड से ये इसी को आप यहाँ पर लगा दें। इसको चेक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसको चेक कैसे करेंगे। अभी देखिए मेरे पास एक मल्टीमीटर है, इसको मैं कंटिन्यूटी मोड में लेता हूँ, ठीक है दोस्त। अभी इस फ्यूज के पास दोनों सटाना है। अभी क्या है, मैं वीडियो तो एक हाथ से बना रहा हूँ, पता नहीं सटेगा कि नहीं, देखता हूँ दोस्त। यार मैं आपको अभी चेक करके बताता हूँ। मोबाइल को यहाँ पे रखता हूँ, ये देखिए ये मेरा कार्ड हो गया। अभी देखिए ये अभी फ़िलहाल बजर मोड में है, देख सकते हो, ये देखिए चेक किया। अभी क्या है, मैं इसी फ्यूज के पास चलता हूँ, जिस फ्यूज के बारे में आपको मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, आप देख सकते होंगे। मैं अब आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक यहाँ पे लगाना है, अभी कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज सही है। देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब ये फ्यूज सही है। अब अगर जिस टाइम बर्न आउट होगा ना तो ये कंटिन्यूटी नहीं आएगा, तो या तो इसको एक तार से शॉर्ट कर दें, तब भी आपका प्रिंटर चल जाएगा दोस्त, लेकिन क्या है वो सही नहीं रहेगा। कोशिश करिए आप यही लगाएं, आपका 101% दोस्त ये जो एप्सन का